जयपुर में भूकंप के कितने झटके? सामने आ रहे हैं अलग अलग आंकड़े। सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी और सरकार के दावों में विरोधाभास। सीस्मोलॉजी ने बताया 3 झटके, सरकार और मौसम विभाग का दावा 4 बार आया भूकंप। जयपुर जिले में शुक्रवार सुबह महसूस हुए भूकंप के जबरदस्त झटकों को लेकर राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में जानकारी दी गई है। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने शून्यकाल के दौरान वक्तव्य देते हुए बताया कि भूकंप के झटके सुबह 4:09 से लेकर 4:31 तक के बीच 4 बार महसूस किए गए। हालांकि राहत की बात ये रही कि इन झटकों से किसी भी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई है। अपने 21-7 को 4:09:38 जयपुर में गुलमोर गार्डन भांकरोटा लेटीट्यूड 26.88 लॉन्गिट्यूड 75.70 मैग्नीट्यूड तीव्रता 4.4 डेप्थ थी 10 किलोमीटर 4:22:57 पर नियर टू बालाजी मंदिर रेनवाल मांझी में ये लेटीट्यूड थी 26.67 लॉन्गिट्यूड थी 75.70 और मैग्नीट्यूड थी तीव्रता थी 3.1 कम हो गई और 5 किलोमीटर डेप्थ में थी। 4:25 पर पिंक पेरल नियर फन वाटर पार्क और भांकरोटा ये लेटीट्यूड थी 26.87 लॉन्गिट्यूड थी 75.69 और तीव्रता थी 3.4 10 किलोमीटर डेप्थ में थी। 4:31 ये शिव रिसोर्ट में थी ये सांगरपुरा के आसपास 26.86 थी लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड थी 75.65 और मैग्नीट्यूड थी तीव्रता थी 2.5 9 किलोमीटर नीचे। सबसे पहले जो 4:09 पे आई है सर वो 4.4 और 10 किलोमीटर डेप्थ सबसे तेज ये थी। मंत्री मेघवाल ने बताया कि प्रदेश में आपदा होने की स्थिति में सभी जिला कलेक्टरों और संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर पीड़ितों को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए बचाव और राहत कार्य किए जाते हैं। हालांकि मौसम केंद्र जयपुर भी भूकंप के 4 झटके लगने का दावा कर रहा है। उधर भूकंप की घटना के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया है। लोग फिर से भूकंप आने का मैसेज फॉरवर्ड करने लगे। इस पर पत्रिका ने मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधे श्याम शर्मा से बातचीत की तो उन्होंने इसे अफवाह करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई तकनीक इजाद नहीं हुई जो भूकंप के पूर्वानुमान का पता लगा सके। देखिए अभी तक यदि देखें तो ऐसी कोई फुल फ्लैश्ड टेक्निक नहीं है जिसकी हेल्प से भूकंप का पूर्वानुमान किया जा सके, क्योंकि ऐसा कोई ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क या अर्थ के नीचे जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स को नियमित या रेगुलर स्केल पे नहीं मेजर कर सकते हैं और साइंटिफिकली ऐसी कोई टेक्निक अभी तक डेवलप नहीं है जिसके द्वारा फोरकास्ट किया जा सके। हाँ, ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क जो है वो भारत सरकार का जो नेशनल सिस्मोलॉजिकल सेंटर है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है, तो इसके अलग अलग लोकेशन पे ऑब्जर्वेशनल सेंसर्स लगे हुए हैं ऑटोमेटेड मोड में। ये जैसे ही भूकंप आता है तो 10 से 15 मिनट के अंदर ऑटोमेटेड प्रोसेस करके ये पिन पॉइंट लोकेशन बता सकता है कि कितनी मैग्नीट्यूड रहा है, किस समय हुआ है, कौन सा एग्जैक्ट लोकेशन है, ताकि जो एरिया अफेक्टेड है उसको तुरंत जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें और उस क्षेत्र के बारे में रिसर्च जो है वो भी जो की जा सके। इससे पहले पूरा जयपुर अलार्म की बजाय भूकंप से जाग गया। धरती का कंपन इतना ज्यादा था कि डरे सहमे लोग घरों से बाहर निकल आए और एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछते हुए नजर आए। वहीं कुछ लोग सड़क पर कुर्सी लगाकर स्थिति सामान्य होने का इंतजार करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।